पूजा समारोह प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए। माननीय राज्यपाल जी, आपकी अनुमति से मैं मनोनीत मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधी आदेश पढ़ता हूँ। आदेश: बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नीतीश कुमार को बिहार राज्य का मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। बिहार के राज्यपाल के आदेश से रॉबर्ट एल जॉनसू, राज्यपाल के प्रधान सचिव। मनोनीत मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। மீண்டும் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றிருக்கிறார் நிதிஷ்குமார். பீகாரில் காலையில் ராஜினாமா செய்த முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் தற்பொழுது பாஜக ஆதரவோடு மீண்டும் முதலமைச்சராக பதவியேற்கிறார். ஆளுநர் ராஜேந்திர அர்லேக்கர் அவருக்கு மீண்டும் முதலமைச்சராக பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார். இதன் மூலம் मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबसे सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। Thank you.
माननीय राज्यपाल जी, आपकी अनुमति से मैं मंत्रीगण की नियुक्ति संबंधी आदेश पढ़ता हूँ। आदेश, बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह से निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.